हाय दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप लोग। मेरा नाम नबील है। ये है iOS 16.6 डेवलपर बीटा 2 जो एप्पल ने अभी अभी जो है रिलीज किया है। इसके बाद पब्लिक बीटा 2 भी जो है ये फॉलो होगा। अब यहाँ पे इस अपडेट में आपको क्या कुछ नया देखने मिलने वाला है, क्या है इसमें खास, ये अपडेट आपको करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, सारी चीजें आपको बताऊंगा। और यहाँ पे अगेन मैं स्ट्रेस करना चाहता हूँ इस बात पे कि बेटा वर्जन है, स्टेबल अपडेट iOS 16.5 का आपके फोन पे चल रहा है। 16.6 जो है बहुत जल्दी आपके आईफोन पे आने वाला है, उसके बारे में जब आएगा तब बात करेंगे। फिलहाल ये बेटा वर्जन है और जिन लोगों ने बेटा वर्जन का जो प्रोफाइल है या फिर उनके साथ जो है अपने आईडी को लिंक करके रखा है, उनको ये अपडेट देखने मिलेगा अपने आईफोन्स के ऊपर। सबसे पहले यहाँ पे बात करते हैं गाइस अपडेट साइज की, तो अपडेट साइज जो है ज्यादा बड़ा नहीं है, सिर्फ 400 MB का या 401 MB का अपडेट आया था मेरे आईफोन 14 प्लस के ऊपर। आपके पास जो आईफोन है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि अपडेट साइज कितना रहेगा, और अगर आप बेटा वर्जन चला रहे हो, स्टेबल से बेटा वर्जन पे जा रहे हो, उस पर भी डिपेंड करता है कि अपडेट साइज जो है वो कितना रहने वाला है। बाकी यहाँ पे क्या कुछ नया है इसके बारे में जानकारी नहीं है, लेकिन हम इसके बारे में आगे आपको बताने की कोशिश करेंगे। अब यहाँ पे बात करते हैं अपडेट से पहले क्या कुछ था और बाद में क्या कुछ हो गया है उसके बारे में। तो यहाँ पे जो अवेलेबल फ्री स्पेस था अपडेट से पहले का वो था 67.49 GB का, और अपडेट से पहले का जो मोडेम फर्मवेयर था वो था 1.80.00। अपडेट के बाद ये अवेलेबल फ्री स्पेस जो है ये है 67.64 GB का, यानी कि स्लाइटली अपडेट के बाद जो है अवेलेबल फ्री स्पेस थोड़ा सा बड़ा है। तो ये एक अच्छी चीज है, आजकल के अपडेट्स में अवेलेबल फ्री स्पेस जो है अपडेट के बाद बढ़ रहा है, और ऐसा ही रहेगा तो अच्छा रहेगा, लोगों को भी टेंशन नहीं होगी। बाकी तो होता ही था वो अपडेट के बाद कुछ देर के बाद जो है अवेलेबल फ्री स्पेस का बढ़ जाना, लेकिन अपडेट के बाद इमीडिएटली बढ़ना जो है काफी सही है, तो हम लोग टेंशन फ्री रहते हैं इससे। मोडेम फर्मवेयर अगर यहाँ पे आप देखेंगे तो सेम वही है जो पहले था, तो यहाँ पे इसमें कोई भी डिफरेंस नहीं। अपडेट के बाद का जो बिल्ड नंबर है उसके एंड में आपको डी नजर आ रहा है, यानी कि कुछ और अपडेट्स बाकी है जिसके बाद हमको फाइनल स्टेबल वर्जन जो है देखने मिलेगा। अब इस अपडेट में क्या कुछ नया है, तो इस अपडेट में कुछ नया नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो है सिर्फ बग फिक्सेस पे काम किया गया है, एक्सेप्ट फॉर वन थिंग जो कि है कॉन्टैक्ट की वेरिफिकेशन। लेकिन कॉन्टैक्ट की वेरिफिकेशन जो है यहाँ पे जो आपको नजर आ रहा था आपके सेटिंग्स के अंदर, जो मैंने लास्ट टाइम बोला था सर्च करने के लिए, अब आप सर्च करेंगे तो बेटा 1 के बाद बेटा 2 के अंदर इसको यहाँ से सेटिंग्स के अंदर से भी हटा दिया एप्पल ने। क्यों हटा दिया, क्योंकि आप उसको ओपन भी नहीं कर सकते थे। आईक्लाउड के अंदर कॉन्टैक्ट की दिखाता था आपको कॉन्टैक्ट की वेरिफिकेशन। तो कॉन्टैक्ट की वेरिफिकेशन क्या है, जब आप किसी से बात कर रहे हो और वो अपने खुद के पर्सनल डिवाइस के अलावा किसी और डिवाइस के जरिए से आपके साथ आई मैसेज पे कॉन्वर्जेशन कर रहा है। समझो मेरे पास इतने सारे आईफोन है, अब ये मेरा प्राइमरी आईफोन है, मैं इसी से किसी से बात करता हूँ, मैसेज करता हूँ, लेकिन इससे कर रहा हूँ तो उस टाइम पे मुझे अपने आप को वेरीफाई करने का मौका मिलेगा, और सामने वाला भी मेरा वेरिफिकेशन जो है वो चेक कर सकता है, ताकि उसको पता चल जाए कि वो मुझसे ही बात कर रहा है, नबील से ही बात कर रहा है, मेरे किसी फ्रेंड से, मेरे किसी एम्प्लॉय से, मेरे किसी फैमिली मेंबर से, या किसी और इंसान से जिसने मेरा डिवाइस चुराया उससे बात नहीं कर रहा है। तो ये काफी सही चीज है, और ये आगे वाले अपडेट्स के अंदर या 16.6 के अंदर ही एप्पल जो है पुश करेगा हम सभी के आईफोन्स के लिए। इसके अलावा इसमें कुछ नया नहीं है, नया यही है कि इसमें से कॉन्टैक्ट की वेरिफिकेशन का सेटिंग हटा दिया, बाकी सिर्फ बग फिक्सेस पे ही यहाँ पे एप्पल ने काम किया। अब यहाँ पे रिलीज नोट्स भी एक बार चेक कर लेते हैं इस अपडेट में, इसमें क्या नोन इश्यूज है, क्या फिक्स्ड है, वो सब यहाँ पे आपको नजर आ जाएगा। तो मैटर एक्सेसरी से रिलेटेड जो है पेयरिंग का प्रॉब्लम अभी भी मौजूद है, जो आप भी यूज नहीं करते, मैं भी यूज नहीं करता। एक्सकोड में कुछ नोन इश्यूज है जिससे रिलेटेड यहाँ पे वर्क अराउंड भी एप्पल ने बताया है। तो काफी सारे बग्स जो यहाँ पे फिक्स हो गए, और ज्यादा कोई बग्स आपको यहाँ पे इस वाले अपडेट में देखने नहीं मिलेंगे, काफी स्टेबल अपडेट है। अब यहाँ पे बात करते हैं हम लोग इसकी बैटरी के बारे में, तो बैटरी कैपेसिटी के बारे में बोल नहीं सकते अभी, क्योंकि अपडेट अभी आया है, और जो बेटा वर्जन है उसकी बैटरी पे ज्यादा मैं कॉन्सेंट्रेट करता भी नहीं, क्योंकि स्टेबल वर्जन चल रहा है, उसके बारे में हम ज्यादा ध्यान देते हैं। बाकी यहाँ पे जो बैटरी कैपेसिटी है इट इज स्टिल एट 100%। कभी भी बेटा वर्जन, स्टेबल वर्जन, इनकी वजह से डायरेक्टली आपके बैटरी पे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ता। हाँ, अगर वो हीट ज्यादा कर रहे हैं, आपकी बैटरी ड्रेन ज्यादा कर रहे हैं, आपको बार बार चार्ज करना पड़ रहा है, उस केस में हो सकता है, या फिर रिकैलिब्रेशन होगा तभी बैटरी हेल्थ यहाँ पे ड्रॉप होगी, अदरवाइज बैटरी हेल्थ के बारे में कुछ भी फिकर करने की जरूरत नहीं। बाकी ये जो फोन है अपना प्राइमरी फोन नहीं है, मेरा है 14 प्रो मैक्स, उसके ऊपर मैं बैटरी लाइफ आपको जरूर बता सकता हूँ, जो कि स्टेबल वर्जन में आपको हमेशा बताता हूँ। तो इसमें बैटरी लाइफ के बारे में तो नहीं, लेकिन बैटरी हेल्थ के बारे में जरूर आपको बता देता हूँ कि इससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। अब परफॉर्मेंस की बात करें तो यहाँ पे जनरल परफॉर्मेंस तो ओके है, मैंने इसको यूज करके देखा, और गेमिंग के लिए बेसिकली फोन यूज होता है, देख सकते हैं आप यहाँ पे बच्चों ने सारे गेम्स डाल के रखे, वो उसको खेलते रहते हैं, और फोन जो है प्रॉपर्ली काम कर रहा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। रही बात यहाँ पे बेंचमार्क्स की, तो उसमें देख लेते हैं कुछ कम ज्यादा हुआ या नहीं। तो सबसे पहले सीपीयू स्कोर देखते हैं, आज है 1 जून, पिछला जो अपडेट आया था वो 20 मई को आया था, 1749.4579 था स्कोर, और आज का है 1732.4359, तो थोड़ा सा कम हुआ है। और अपडेट के बाद जब भी मैं चेक करता हूँ थोड़ा सा कम दिखाता है, बाद में वो ठीक हो जाता है, लेकिन यहाँ पे कुछ थोड़े पॉइंट जो है आपको मल्टी कोर स्कोर में कम देखने मिलेंगे। अपडेट के बाद क्या होता है, फोन जो है अपने आपको कैलिब्रेट करते रहता है, ऐप्स अपडेट होते रहते हैं, थोड़ा सा हीट भी होता है, मैं सब बातों का ध्यान रखते हुए ही स्कोर चेक करता हूँ, फिर भी थोड़ा 19-20 का फर्क पड़ता है। तो हाँ, थोड़ा सा स्कोर जो है इस बार कम निकल के आया सीपीयू के अंदर, और जीपीयू का स्कोर भी एक बार चेक कर लेते हैं। हिस्ट्री में चले जाते तो यहाँ पे 20 मई का स्कोर था 12671 और आज का स्कोर है 12748। ये इसलिए ऐसा है, ज्यादा क्यों निकल के आया, क्योंकि मैंने इसको थोड़ी देर रेस्ट होने दिया। सीपीयू का स्कोर भी थोड़ी देर रेस्ट होकर निकाला था, लेकिन थोड़ा जल्दी निकाल दिया था, क्योंकि आपके लिए जल्दी से वीडियो भी बनाना होता है। तो ऑलमोस्ट सिमिलर परफॉर्मेंस आपको देखने मिलेगा इस अपडेट में। अब यहाँ पे दो और चीजें जिनके बारे में बात करना चाहता हूँ, एक तो है आपका iOS 17। तो कैलेंडर में लेके चलता हूँ मैं आपको, और यहाँ पे iOS 17 का जो बेटा 1 है वो आपको 5th या 6th
4 देखने मिलेगा जून के ही। क्यों ऐसा है? क्योंकि इवेंट होने वाला एप्पल का WWDC 5 को रात में 10:30 बजे इंडिया टाइम, और उसके बाद जो है आपको ये अपडेट भी देखने मिलेगा। ये करना चाहिए नहीं करना चाहिए वो सब मैं आपको टाइम पे बता दूंगा। अपडेट करने के लिए कैसे प्रिपेयर करना है उसके बारे में इन्फॉर्मेशन आपको देते रहूंगा, तो चैनल के साथ जो है जुड़े रहिए। अब अगली चीज जो है वो बेटा वर्जन से रिलेटेड नहीं है बल्कि स्टेबल वर्जन से रिलेटेड है। तो स्टेबल वर्जन अगर आप चला रहे हो और एप्पल वॉच आपके पास है, तो एप्पल ने वॉच OS 9.5.1 जो है इसको भी रिलीज किया है, और ये सिर्फ 92 MB के आसपास का अपडेट है, और इसके अंदर सिर्फ सिक्योरिटी फिक्सेस किए गए हैं, बाकी इसके अंदर आपकी एप्पल वॉच में कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। मैं एक्सपेक्ट ये करता हूं इस अपडेट से कि एप्पल वॉच अल्ट्रा जो है इसकी बैटरी लाइफ कुछ सुधर के मिलेगी हमको, क्योंकि पहले जो है बहुत ज्यादा बैटरी लाइफ देता था ये, लेकिन अभी उतनी बैटरी लाइफ निकाल के नहीं दे रहा है। तो आई जस्ट होप कि इस वाले अपडेट के बाद जो है ये इशू फिक्स हो जाए। बाकी जब नया iOS 17 आएगा उस टाइम पे वॉच OS का बेटा भी आने वाला है, और उसके बाद वॉच OS 10 के अपडेट्स भी आपको देखने मिलेंगे। तो ये थी दोस्तों कहानी iOS 16.6 डेवलपर बेटा 2 की। इसके अलावा इसमें कुछ ज्यादा है नहीं खास, क्योंकि भी iOS 17 इज अराउंड द कॉर्नर, लेकिन आपको जो स्टेबल वर्जन का अपडेट है iOS 17 का वो सितंबर में ही देखने मिलेगा। तो यही आपका सुख दुख का साथी है, तब तक अगर आप खतरों के खिलाड़ी नहीं है मेरी तरह और iOS 17 अपने फोन पे नहीं चलाने रहते। तो उम्मीद करता दोस्तों आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आया तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। गुड बाय।